मित्रों, आज का हमारा विषय है विरोध के पार निर्वाण। जैसे दो आदमी नावों पर सवार हो और दोनों नावें विपरीत दिशाओं में जाती हो, ऐसा है संसार। जैसे आदमी दो दरवाजों से एक साथ प्रवेश करने की कोशिश कर रहा हो और दोनों दरवाजे इतने दूर हो जैसे जमीन और आकाश, ऐसा है संसार। जैसे कोई एक ही साथ जन्म ना भी चाहता हो और मरने से भी बचना चाहता हो, दो विपरीत आकांक्षाएं कर रहा हो और दोनों के बीच उलझ रहा हो, परेशान हो रहा हो, तो समझ लेना ये है संसार। और ऐसा ही है संसार, हमारी आकांक्षाएं विपरीत है। इसे थोड़ा समझना, इसकी समझ तुम्हारे भीतर एक दिए को जन्म दे देगी। एक तरफ तुम चाहते हो दूसरे लोग मुझे सम्मान दें और दूसरी तरफ तुम चाहते हो कोई अपमान न करे। साधारणता दिखाई पड़ता है, इन दोनों में विरोध कहाँ? इन दोनों में विरोध है। यह तुम दो नौकाओं पर सवार हो गए, इनका विश्लेषण करो। तुम चाहते सम्मान दे, ऐसा चाहकर तुमने दूसरों को अपने ऊपर बल दे दिया, क्योंकि सम्मान की चाहत ही दूसरों के हाथ में पावर देने जैसी बात है। दूसरे शक्तिशाली हो गए, तुम कमजोर हो गए। अपमान तो शुरू हो गया, अपमान तो तुमने अपना करा ही लिया। दूसरे जब करेंगे तब करेंगे, तुम अपमानित तो होना शुरू हो ही गए। ये कोई सम्मान का ढंग हुआ जहां दूसरे हमें हमसे बलशाली हो गए? दूसरों से सम्मान चाह, इसका अर्थ है कि दूसरों के हाथ में तुमने शक्ति दे दी कि वे अपमान भी कर सकते हैं और निश्चित ही अपमान करने में उन्हें ज्यादा रस आएगा, क्योंकि तुम्हारे अपमान के द्वारा ही वे सम्मानित हो सकते हैं। दुनिया ऐसी ही है, वे भी तो सम्मान चाहते हैं जैसा तुम चाहते हो। तुम किसका सम्मान करते हो? तुम सम्मान मांगते हो, वे भी सम्मान मांग रहे हैं। वे तुम्हारा सम्मान करे तो उन्हें कौन सम्मान देगा? प्रतिस्पर्धा है, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो तुम जब दूसरे के से सम्मान मांगते हो तब तुमने उसे क्षमता दे दी, हाथ में कुंजी दे दी कि वह तुम्हारा अपमान कर सकता है। अब 100 में से 99 मौके तो वह ऐसे खोजेगा कि वह तुम्हारा अपमान कर दे, और यही होता है। कभी मजबूरी में न कर पाए तो सम्मान करेगा। सम्मान तो लोग मजबूरी में ही करते हैं, अपमान नेचुरली मालूम पड़ता है उनको भी। सम्मान बड़ी मजबूरी मालूम पड़ती है, किसी को सम्मान देना किसी को अच्छा नहीं लगता। झुकता तो आदमी मजबूरी में, अकड़ना स्वाभाविक मालूम पड़ता है उसे, और अकड़ में रहना ही चाहता है। तो जैसे ही तुमने सम्मान मांगा, अपमान की क्षमता दे दी, और दूसरा भी सम्मान की चेष्टा में संलग्न है, वह भी चाहता है अपनी लकीर तुमसे बड़ी खींच दे। जैसा तुम चाहते हो वैसा वह चाहता है। अब अड़चन शुरू हो गई, सम्मान देगा तो भी तुम सम्मानित न हो पाओगे, क्योंकि सम्मान देने वाला तुमसे बलशाली और अपमान करेगा तो तुम पीड़ित जरूर हो जाओगे। तुमने धन मांगा, तुमने अपनी निर्धनता की घोषणा कर दी। उसे पता चल गया कि ये दुखी और निर्धन है, क्योंकि निर्धन ही धन मांगता है। जो तुम्हारे पास नहीं है वही हम मांगते हैं हमारे पास जो ना हो। मैंने सुना है शेख फरीद से एक दंपति ने कहा, ये बड़ी अजीब बात है कि तुम्हारे पास आता हूँ तो सदा ज्ञान की, आत्मा की, परमात्मा की बातें करता हूँ, तुम जब भी आते हो तो सदा धन मांगने आते हो, तो संसारिक कौन होगा? शेख फरीद ने कहा, मैं गरीब हूँ इसलिए धन मांगता हूँ, तुम इस अज्ञानी हो इसलिए ज्ञान मांगते हो। जो जिसके पास नहीं है वो वही तो मांगेगा। मैं तो तुम्हारी याद ही तब करता हूँ जब गांव में कोई तकलीफ होती है, मदरसा खोलना होता है, अकाल पड़ जाता है, कोई बीमार मर रहा होता है, उसको दवाई की जरूरत होती है, तो मैं आता हूँ। मैं दीन हूँ, दरिद्र हूँ, ये मेरा गांव गरीब और दरिद्र है। स्वभावतः मैं कोई ब्रह्म और परमात्मा की बातें करने तुम्हारे पास नहीं आता, वह तो मेरे पास है। तुम जब किसी के पास जाते हो तो तुम धन की बात नहीं करते, क्योंकि धन तुम्हारे पास है। जैसे किसी सन्यासी के पास गए तो वह धर्म की बातें करने नहीं जाओगे। तुम ब्रह्म की बात करने आते हो तो तुम्हारे जो तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि ज्ञानी के पास या परमात्मा को जानने वाले के पास ही ब्रह्म ज्ञान होता है, और वही हम जानने जाते हैं। इसे थोड़ा सोचना होगा।
जिससे तुमने धन मांगा तुमने घोषणा कर दी तुम निर्धन हो। धन मांगने वाला निर्धन है, पद मांगा घोषणा कर दी कि तुम हीन हो, तुम्हें पावर की जरूरत है, तुम्हारा व्यक्तित्व तो कमजोर है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं पद के आकांक्षी हीन ग्रंथि से पीड़ित होते हैं। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कभी राजनीतिज्ञ हीन ग्रंथि से पीड़ित होते हैं, होंगे ही, कोई दूसरा और उपाय नहीं है। जब तुम सिद्ध करना चाहते हो कि मैं शक्तिशाली हूं तो तुमने अपने भीतर मान रखा है कि तुम शक्तिहीन हो। अब किसी तरह सिद्ध करके दिखा देना है कि नहीं ये बात गलत है, मैं तो शक्तिशाली हूं, इसलिए आदमी की भाग दौड़ है। कमजोर बहादुरी सिद्ध करना चाहता है, कायर अपने को वीर सिद्ध करना चाहता है, अज्ञानी अपने को ज्ञानी सिद्ध करना चाहता है। हम जो नहीं है उसकी श्रेष्ठता में संलग्न होते हैं। संपूर्ण व्यक्तित्व को किसी तरह की भागदौड़ नहीं है, और जो हम नहीं है हमारी श्रेष्ठता से प्रकट होकर दिखाई पड़ने लगता है, पीड़ा और बढ़ती चली जाती है। जन्म तो हम मांगते हैं, जीवन तो हम मांगते हैं, लेकिन मौत से डरते हैं। हम चिल्लाते हैं मौत नहीं है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, ये ही हमारा मौत से भय है। बच्चों से पूछो आत्मा के बारे में, वो ऐसी बात नहीं करेंगे, वो जाए ये क्या बात है, बूढ़े आत्मा की बात करने थे करते हैं, क्योंकि जो जो मृत्यु करीब आती है उनको डर लगने लगता है। वो जब तब अपने को सांत्वना देने के लिए कहते हैं आत्मा तो अमर है, शाश्वत है, आत्मा मरती नहीं है, क्योंकि उनको मृत्यु के पार भी जीना है ऐसा लगता है। मृत्यु की हम बात ही नहीं करना चाहते, लेकिन जन्म के साथ हमने मृत्यु मांग ली। जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है मृत्यु भी उसके भीतर बड़ी होती है, क्योंकि जो शुरू होगा वो तो अंत तो होगा ही। मृत्यु जन्म के विपरीत नहीं है, जन्म की नेचुरली प्रणीति है, शुरुआत है, जो शुरू होगा वह अंत होगा और जो बनेगा वह मिटेगा। जिसका सर्जन किया जाएगा वह विध्वंस भी होगा। तुमने एक मकान बनाया उसी दिन तुमने खंडर बनाने की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि आज नहीं तो 50 साल बाद, 60 साल बाद, 80 साल बाद वो जर्जर होने लगेगा, उसका भी एक समय है और खंडर बनेगा। तुम जब भवन बना रहे हो तब तुम एक खंडर बना रहे हो, क्योंकि बनाने में ही गिरने की शुरुआत हो गई। तुमने एक बच्चे को जन्म दिया, तुमने एक मौत को जन्म दिया। ये इस प्रकार है कि जन्म के साथ ही मृत्यु भी जन्म ले लेती है। तुम जन्म के साथ मौत को दुनिया में उतार लाए हो, जिसे हम संसार कहते हैं वही विरोधाभास है, और जो विरोधाभास से पार हो गया वह निर्वाण को उपलब्ध हो गया। ये इस बात का सार सूत्र है, विरोध के पार ही निर्वाण है।